भाई जल्दी से लगा दे गोलगप्पे एक प्लेट। जल्दी कर तो देर हो रही है। हेलो मामा, कहाँ रह गई हो तुम? जी मामा रास्ते में हूँ, बस मैं आ रही हूँ। ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो मैं सड़क पर हूँ ना, इसलिए मैं मुंह बंद करके बात कर रही थी। जल्दी घर पहुँचो, मेहमान आने वाले हैं। कौन मेहमान? बस है ना कोई, तुम जल्दी घर आओ। मेरे प्यारे मालिक, प्लीज मुझे बताओ तो सही कौन मेहमान आए? तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। मम्मा कहाँ रह गई थी? इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं ये लोग। मम्मा क्या जरूरत थी रिश्ते वालों को बुलाने की? जरूरत है। ये कपड़े पहनो जल्दी से, जाओ तैयार, और फिर किचन में आना, यहाँ चाय का ट्रे तैयार, वो लेके सीधा ड्राइंग रूम में आ जाओ। मम्मा जिस मैरिज ब्यूरो से आप ये रिश्ते लेकर आते हो, किसी दिन वहां जाके मैंने हल्ला बोल देना। तो शादी से इतना भागती क्यों? मैं कहाँ भागती हूँ मालिक, बल्कि लोग मुझे देखकर भाग जाते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ, ये लोग भी भाग जाएंगे, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ मुझे शादी वादी नहीं करनी। ओहो नहीं, सब लोग एक जैसे नहीं होते। बहुत अच्छी फैमिली है, लड़का भी सुलझा हुआ है। ये लोग ना बस ऊपर से ही सुलझे हुए होते, अंदर से ना एक नंबर के। ओ मेरी माँ, जल्दी से जाके तैयार हो, चल। हाँ जा रही हूँ भाई। चाय सर्व करती हूँ, सब्र कर। लेकिन भाई साहब, हमारा बेटा लंदन से बिजनेस पढ़ के आया है, तो यहाँ आकर उसने यही काम संभालना है। जारी बात है, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, अच्छी बात है। वो रिश्ते वाली आपदा ने बताया था कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कहाँ करते हैं और किस डिपार्टमेंट में करते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट। हानिया आ गई है, बस तैयार हो रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी। एक्चुअली ट्रैफिक बहुत था ना, तो इसलिए लेट हो गई। ठीक है, वो दरअसल हमें लेट हो रहा था। हानिया चाय ला रही है। एक्चुअली कामिल को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, आप हानिया से कहें कि जरा जल्दी आ जाए। आप अच्छा, मैं देखती हूँ। ले आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तुमसे कहा था कपड़े बदल के आना। आप चाय लीजिए। मॉम, लड़की मोटी है। मोटी? बहुत ही मोटी है। क्या कहा तुमने? मैं मोटी हूँ। हानिया? मामा, इसने मुझे मोटी कहा है। तुम कौन सा ब्रेड पे डो? हाँ मोटे कहीं के। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें तो बात करने की भी तमीज नहीं है। आपके बेटे ने पहले बदतमीजी की है, लड्डू कहीं का। मैं लड्डू? मामा देख रही है क्या बोल रही है? बुरा लगा ना, तकलीफ हुई ना? शुक्र करो मैंने तुम्हें लड्डू खाए, वो जो मीठा वाला होता है। मैं तुम्हें फुटबॉल भी कह सकती थी। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाई साहब। चले उठे, चलते हैं यहाँ से, हमें यहाँ रिश्ता करना ही नहीं है। अरे बहन सुने तो। क्या सुने, और क्या सुनने को रह गया? आपने अपनी बेटी को जरा बराबर तमीज नहीं सिखाई। बहन ये क्या कह रही हैं आप? आपके बेटे ने भी तो गलत बात की है। तो आपकी बेटी ने तो बड़ी तमीज वाली बात की है। उससे तो जो बात की है अपनी डिफेंस में की है।
अगर आपका बेटा मेरी बेटी को मोटी बोलेगा तो भी तो जवाब में कुछ ना कुछ कहेगी ना। ओफो, अपनी बेटी की तरफदारी किए जा रहे हैं आप तो। और हाँ, आइंदा ना किसी को मोटी मत कहना, पहले अपने जिस्म में झांक कर देखो तुम। हानिया अपने गिरेबान में झांकने के लिए कह रही तुमसे। अरे आप दोनों चुप करे, चले और कितना बेइज्जत होना है आप लोगों ने, चले। अब चले ना हम लोग चाय पीते हैं। मैं हानिया के फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ तो बहुत डर जाती हूँ। कैसे डर? अगर इसी तरह लड़के वाले उसे रिजेक्ट करते रहे तो उसकी शादी की उम्र निकल जाएगी। हो गया है तुम्हें समझ? क्यों इस तरह सोचती हो? इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा हमारी रानिया के लिए। आप भी तो उसके साथ मिल जाते उसे समझाने के बजाय, ताकि उसे लगे कि मैं उसके साथ। अगर मैं भी तुम्हारी तरह उसे ट्रीट करूंगा तो उसे लगेगा कि वो अकेली है और मैं नहीं चाहता उसे इतना सा भी एहसास हो के अकेली है। मगर ऐसा कब तक चलेगा? तुमने बात नोटिस की है? हानिया को जब ये पता है कि जिस्मानी तौर पे वो बस नहीं है, उसने इस इशू को अपने जहन पे सवार नहीं किया है, कभी इस बात का स्ट्रेस नहीं लिया, मगन रहती है, हंसती रहती है, खेलती रहती है, खुश रहती है। और मैं समझता हूं कि अगर वो खुश है तो हमें उसकी खुशी में खुश रहना चाहिए। अगर हानिया की जगह कोई और होती ना तो जहनी मरीज बन चुकी होती। बहुत 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 बड़े दिल की मालिक है मेरी बेटी। और जो लड़कियां बड़े दिल की मालिक होती है ना उनके नसीब भी बहुत बड़े होते हैं। हमें इंतजार सिर्फ इस बात का करना है कि उसका नसीब खुलता कब है, बाकी अल्लाह सब अच्छा करेगा। डोंट यू वरी, हैं? उठ जाओ बेटा, उठो, सुबह के 7 बज रहे हैं, उठ जाओ। 7 तो रोज ही बजते हैं ना। हानिया कितने दिनों मालिक। चलो उठो, पापा इंतजार कर रहे हैं नाश्ते पे, चलो उठ जाओ।
जैसे मामा आज ना लड्डू पूरी पाने का नहीं चल। खबरदार इस तरह की चीजों का नाम ना लेना इस घर में। खाने पर पाबंदी क्यों है? हाँ बस तुम इस तरह की चीजें नहीं खा सकते। इतना सुन क्यों मारे? अरे कोई जुल्म नहीं है। अच्छा चलो ये पियो। क्या है? गरम पानी में शहद और लेमन पी लो। मम्मा मुझे ये नहीं पिया जाता। अरे पीना पड़ेगा, थोड़ा तो वजन कम हो। मम्मा खाने से वजन नहीं बढ़ता, मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ, नॉर्मली खाना खाती हूँ। चलो मेरा दिल तो मुतमईन होगा कि मैंने कोशिश की। पियो। ठीक है पी लेती। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हानिया। मामा इस आदमी को ना बहुत भूख लगी है। क्या कर रही हो? खाने दो बेचारी को, सारा दिन ऑफिस में काम करना है, काम कैसे करेगी ये? और क्या मालिक, ये भूख से चकरा कर गिर भी तो सकता है ना। जो दिया है वही खाओ। लेकिन मामा ये सूखा टोस्ट मुझसे नहीं खाया जाएगा, बटर लगा लो। नहीं बटर ही तो लगा रहे हो तुम बाप बेटी मिलकर। क्या हो गया है? बटर ही तो लगा रही है, लगाने दो बेचारी को। आपको पता है एक चम्मच में 100 कैलोरीज होती हैं। लेकिन मम्मा मैं सारा दिन इतनी मेहनत मुशक्कत करती हूँ, कितनी कैलोरीज तो ऐसे ही बर्न हो जाती हैं। नहीं ये सूखा टोस्ट ही खाओ बस। हाँ हेलो। अरे बस आ रही हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ, नाश्ता कर रही थी। हाँ हाँ हलवा पूरी खा रही थी। ये बताओ तेरे लिए लेकर आऊँ? चल ठीक है मैं लेकर आती हूँ। क्या याद करेगी कि सखी दोस्त से पाला पड़ा है। चल फोन रख मैं आ रही हूँ। नहीं नहीं तस्वीरें दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर वो इंटरेस्टेड हो तो लेकर आना वरना मत लाना। हेलो डैडी, जल्दी से किसी को भेज दीजिए, मैं सड़क पर खड़ा हुआ हूँ, टायर पंचर हो गया है। मैं किसे भेजूं बेटा, मुझे एक मीटिंग में जा रहा है और ड्राइवर मेरे साथ जा रहा है। तो डैडी अब मैं क्या करूँ? तो गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर पड़ा है ना। अच्छा एक मिनट मैं चेक करता हूँ, रुके। जी जी देख रहा हूँ। हाँ जी है। तो चेंज कर लो, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है बेटा। डैडी मुझे टायर चेंज करना नहीं आता है। तो बेटा सीख लो ना, कुछ काम खुद भी सीख लो, कब तक मुझ पर और ड्राइवर पर डिपेंड करोगे? सीख लूंगा ना सीख लूंगा, लेकिन अभी किससे सीखूं? प्लीज जल्दी से ड्राइवर को तो भेजे ताकि टायर चेंज करे। ड्राइवर गाड़ी निकाल रहा है और मैं भी निकल रहा हूँ, मुझे 30 मिनट में वहां पे पहुंचना है। डैडी पर मेरी बात तो सुने, मैं सड़क में खड़ा। हेलो हेलो डैडी डैडी कॉल कट कर दी, क्या करूं?
ब्रैड पिट साहब, आपकी गाड़ी पंचर हो गई। मेरा नाम ब्रैड पिट नहीं है, कामिल है। लेकिन मुझे तो आप में ब्रैड पिट नजर आता है, बल्कि टॉम क्रूज भी नजर आ रहा है। प्लीज लीव। अरे ऐसे कैसे लीव? भाई इंसान इंसान के काम आते हैं ना। आप सन्नाटा बहुत है, इसलिए डर लग रहा होगा ना अकेले में। डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँ। चलो तुम टायर चेंज करो। क्या हुआ, टायर क्यों नहीं चेंज कर रहे? वो मुझे ना टायर चेंज करना नहीं आ रहा। लो भाई, हीरो को टायर चेंज करना नहीं आता? सिर्फ लड़कियों के इंसल्ट करना ही सीखा है तुमने? अरे टायर चेंज करना ही सीख लेते तुम। देखो तुम जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे जाऊँ? तुमने तो मेरे घर में घुस के मेरी इंसल्ट की थी, मैं तो तुम्हारा पूरा तमाशा देख कर जाऊँ। बसूत नंबर भेज दो यार, बीच सड़क पे खड़ा हूँ, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिल रहा है, जल्दी भेजो। तुम मेरा बैग पकड़ो, ये लो। अरे पकड़ो ना, हटो यहाँ से। हटो बाबा इधर से। मेरे पापा ने ना मुझे सब कुछ सिखाया, तुम बस लड़कियों की इज्जत करना सीख लो, तुम्हारे लिए काफी है। भाई टायर तो कोई भी चेंज कर देगा, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, समझे? लाओ बैग दो। थैंक यू, बाय, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मायरा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी रही तुम लोगों की पार्टी? अरे मम्मा बहुत ही बोरिंग थी, जैसे हमारे बॉस एंटी के ना, इसी तरह पार्टी भी बिल्कुल एंटी थी। ओ ओ, अच्छा कुछ खाया तुम लोगों ने? कहाँ मम्मा, खाना तो ऐसा था बिल्कुल मरीजों वाला, क्या बताऊँ, कोई टेस्ट ही नहीं था। चलो फिर मैं कुछ बना देती हूँ, तुम लोग खा लो। नहीं नहीं हम कुछ ऑर्डर कर लेते ना मामा, और वैसे भी मायरा तो आज यहीं रहेगी। अच्छा जी आंटी, वो एक्चुअली मामा बाबा इस्लामाबाद गए शादी पर, तो मैं यहाँ आ गई, और मैं इस टाइम आप लोगों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए हमने सोचा है हम कुछ बाहर से ऑर्डर करेंगे। क्या ऑर्डर करोगे तुम लोग? हम पिज्जा ऑर्डर करेंगे आंटी। बिल्कुल भी नहीं, इस घर में पिज्जा नहीं आएगा। क्यों मामा, 4 महीने पहले खाया था पिज्जा। 4 महीने पहले कब खाया था, अभी लास्ट मंथ तो खाया था। अब क्या बोल रही हो तुम? हाँ, हमने नहीं, ऑफिस में किसी ने ऑर्डर किया था। हाँ भूल गई थी मैं, ऑफिस में ऑर्डर किया था। माहिरा मुझे जरा एक बात बताना। जी आंटी। ये जो ऑफिस में लंच लेकर आती है, ये खाती है अपना लंच? आंटी हानिया ऑफिस में जो भी लंच लेके आती है वो पूरा खुद खाती है, किसी को भी नहीं पूछती, बहुत बदतमीजी है। और क्या? ठीक है तुम लोग बैठो, मैं बना के देती हूँ, कुछ तुम लोग खाओगे वही जो मैं बना के दूंगी, खबरदार जो बाहर से कुछ ऑर्डर किया। बैठ जाओ। अब हाँ तुम अपना मुंह ही बंद रख सकती थी। सॉरी यार मुझे याद नहीं रहा था क्या बोलना है। जो भी बात करनी है जल्दी कर लो वरना हानिया आ जाएगी। माहिरा तुम हानिया को किसी तरह समझाओ। मैं क्या समझाऊं उसे? यही कि इस तरह की चीजें खाए जिससे उसका वजन ना बढ़े बल्कि उल्टा कम हो। आंटी हानिया बहुत नॉर्मल खाती है, उसके लिहाज से तो मैं ज्यादा खाती हूँ, मगर मेरा वेट बढ़ता ही नहीं है, ये नेचुरल है, और हानिया का वेट भी नेचुरल है आंटी। यही बात तो मैं बेगम साहब को समझा समझा के तंग आ गया हूँ कि मत परेशान करें मेरी हानिया को, लेकिन नहीं सुनती। आप तो चुप ही रही है, आपकी वजह से ही तो उसका ये हाल हुआ है। आंटी आप हानिया की वजह से बिल्कुल परेशान नहीं हुआ करें,
हानिया बहुत ज्यादा लकी है, उसने सिर्फ 3 साल जॉब किए और बॉस ने उसको कराची के ऑफिस का जीएम बनाने का सोचा है। यकीनन मेरी बुराइयां हो रही होंगी, है ना? अरे बेटा बुराइयां क्या करनी है, इतने दिनों बाद आई है ये मायरा, तो गपशप तो लगानी थी ना, है? चलें गर्मा गर्म चाय पीजिए, मैंने अपने हाथ से। अच्छा सुनो मायरा, मैं सोच रही थी कि हम लोग ना मूवी देखते हैं। हाँ हॉरर, भयानक, बिल्कुल तुम्हारी जैसे। वेरी फनी। फनी तो है। अच्छा सुनो मामा पापा सो जाएं, उसके बाद हम लोग लाउंज में चलकर मूवी देखते हैं। हानिया तुम्हारी मामा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान है। हाँ उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी कभी शादी ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं मोटी हूँ इसीलिए। कैसा अजीब सिस्टम है, लड़का अगर मोटा हो तो उसकी शादी आराम से हो जाएगी, लेकिन अगर लड़की मोटी होगी तो पूरा घर परेशान हो जाएगा। हाँ ऐसी ही है हमारी सोसाइटी। एनीवे आई डोंट केयर। तुझे पता है वो जो मोटा लड़का आया था ना तुझे देखना, उसकी शादी हो जाएगी। तो मुझे क्या अगर उसकी शादी हो भी जाएगी, वैसे आज मिला था वो मुझे। क्या तुझे मिला था आज? उसकी गाड़ी पंचर हो गई थी। फिर क्या, मैंने उसकी गाड़ी का टायर चेंज कर दिया। हेलो ब्रेडविक साहब, भाग रहे हैं? थक गए होंगे ना, जाहिर सी बात है आपने अपना वेट भी तो कम करना है। वैसे कितनी देर जॉगिंग करते हैं आप? ओ मोटे, अबे मोटे रुक जा, अबे कब तक भागेगा, कहां तक भागेगा, रुक जा, अबे फट जाएगा, तेरे बस का नहीं है, रुक जा। अबे मैं बोल रहा हूं, अबे रुक जा, मैं बोल रहा हूं, रुक जा मोटे। छोड़, मैं पुलिस को बुला लूंगा। अबे इधर इधर, ए मैं पुलिस को बुला लूंगा, रुक जा। अरे कौन थे ये लोग? वो ना मुझे चंद दिनों से तंग कर रहे थे, किडनैप करना चाह रहे थे। तुम्हारी वजह से ना मेरी बॉटल भी खराब हो गई। वैसे इतना पैसा है तुम्हारे पास, तुम कोई गार्ड क्यों नहीं रख लेते? गार्ड है, आज छुट्टी पे था। ओ अच्छा, बाय द वे थैंक यू, यू आर वेलकम, एंड आई एम सॉरी उस दिन मैंने तुम्हारा दिल दुखाया ना। इट्स ओके, अब तो मुझे आदत सी हो गई है। तुम्हें पता है जब भी लड़के वाले आते हैं ना तो आखिर में मुझे मोटी कहकर रिजेक्ट कर जाते हैं। आइंदा भी ऐसा ही होगा। लेकिन बेचारी मेरी मामा दिन रात मुझसे डाइट करवाती हैं ताकि मेरा वेट कम हो जाए। लेकिन मैंने तो मामा से कह दिया मुझे शादी नहीं करनी है, और अगर करूंगी तो उससे करूंगी जो मुझे समझेगा, जो मुझे अपने दिल की मलका बनाकर रखेगा। तुम्हें पता मैं बचपन से ऐसा, हालांकि मैं कम खाता हूं तब भी मेरा वेट कम नहीं हुआ। मुझे बचपन से ही ना लड़कियां छेड़ती थी, पहले स्कूल में फिर कॉलेज में हर जगह। तभी मैंने डिसीजन लिया कि उनसे बाहर जाके पढ़ाई करूं। अच्छा एक बात कहूं,
प्लीज मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ गलत किया ना। कम ऑन, क्या हो गया? सच में मैं इन बातों को सीरियसली नहीं लेती, और बंदे को ना सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। चलो मैं चलती हूँ, और हाँ अगर दोबारा तुम्हें कोई तंग करे ना तो मुझे जरूर बताना। पर मेरे पास तुम्हारा नंबर तो है ही नहीं। हाँ ये तो है, लो अपना फोन दो। ये लो। ओके बाय बाय, टेक केयर। हेलो। हेलो कौन? मैं कौन, बकरे हो क्या? नहीं नहीं, मैं कामिल, वो मुझे वुंडो से बचाया था ना। ब्रैड पिट साहब? अरे वुंडे फिर मिल गए क्या? नहीं नहीं, दरअसल मुझे पूछना था कि तुम जॉब क्या करती हो। मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ, और बहुत जल्द कराची ऑफिस में मैं जीएम बनने वाली। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो, कोई जॉब ऑफर है क्या? नहीं नहीं बस ऐसे ही। वैसे तुम हर वक्त ऐसे ही बोलती हो। अब बोलने पर भी पाबंदी है क्या? नहीं नहीं, जब तुम बोलती हो अच्छा बोलती हो, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने कभी नोट नहीं किया। तुम्हें पता है बचपन से ही मेरे दोस्त बहुत कम रहे, और आजकल तो कोई दोस्त ही नहीं है, क्योंकि मैं उनकी दोस्ती पे उतरता ही नहीं हूँ, मोटा जो ठहरा। सेम मेरी वाली कहानी, लेकिन मैं तो जबरदस्ती फिट हो जाती हूँ। अच्छा हानिया, क्या हम दोस्ती कर सकते हैं? अरे हम तो शादी भी कर सकते हैं। क्या बोलो ना, खामोश क्यों हो गए? आप, मैं फोन रखती हूँ, कल मुझे ऑफिस भी जाना है। ओके बाय। अच्छा सुनो, आप क्या हम मिल सकते हैं? ये तो वक्त और नसीब ही बताएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी मालिक फरमाइए। हाँ हाँ आ रही हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ। जल्दी क्या मामा, अब फिर से कोई लड़के वाले आ रहे? क्या है मामा? अच्छा सुने, आप ना उन्हें पहले से बता दीजिएगा कि लड़की मोटी है। मामा अब कौन आ गया मुझे देखने? जाओ जल्दी से कपड़े चेंज करो, और अगर इस बार तुमने कपड़े चेंज नहीं किए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लो। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं चाय वाय नहीं लेकर जाऊंगी, थक गई हूँ मामा ये प्रैक्टिस कर करके मैं। हाँ तुम चाय पी चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, बस तुम ये कपड़े चेंज करो, तैयार हो और खामोशी से आ जाओ। अच्छा मेरी बात सुनो, कोई गैर जरूरी बात मत करना। मिला हो जाए, आपने इतना तकल्लुफ क्यों किया? अरे नहीं लेना। थैंक यू वेरी मच। ये लेने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे ले, आहानी आ गई, आ जाओ। तुम भी सोच रही होगी कि हम दोबारा यहाँ क्यों आ गए। मैंने सोचा कि तुम्हें एक और चांस दिया जाए। चांस मतलब? हानिया आप लोग कुछ लेना, देखो नहीं रहे, प्लीज। मुझे किसी चांस की जरूरत नहीं। चुप रहो हानिया। मामा डैडी मेरे कहने पर यहाँ पर। फिर तो चांस आपने अपने बेटे को दिया, मुझे नहीं। Oh my God,
तो बहुत बदतमीज लड़की हो, हमें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैंने तो ऐसी मजाकन बात कह दी, इसने तो बात का बतंगड़ बना दिया। मामा, डैडी, देखो बेटा, हमारा वो मतलब नहीं था जो तुमने समझ लिया। दरअसल असमत बेगम के अल्फाज का चुनाव जरा सख्त है। प्लीज हारून, आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? अरे मैं गुस्सा कर रही हूं? मैं तो कुछ बोली नहीं हूं। माफ कीजिएगा बहन, लाजी बोल। ठीक है, तो फिर हम बोलते ही नहीं है। अच्छा होगा कि हम चले जाएं। चलो कामिल, हमें यहाँ शादी नहीं करनी। मुझे भी शादी करने का कोई शौक नहीं है। उठो कामिल, चलो चलना है यहाँ से हमें। बाबा, मैं नहीं जाऊँ। क्या मतलब नहीं जाना? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? असद बेगम, आप चले, मैं कामिल को ले आता हूँ। हारून, ये कोई मजाक नहीं हो रहा। जब मैंने कह दिया कि ये मोटी और बदतमीज लड़की मेरी बहू नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। लेकिन मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ हानिया से। और मुझे ये शादी नहीं करनी है। सुन लिया तुमने? अब दिल ठंडा हो गया? मैं गाड़ी में बैठी हूँ, जल्दी से आ जाओ, देर मत करना। देखिए भाई साहब, असमत बेगम गुस्से की जरा तेज है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, मान जाए। कामिल बेटा चले। डैडी आप चलिए, मैं आता हूँ। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो क्या मैं अकेले में हानिया से बात कर सकता हूँ? उस दिन तुमने मेरी गाड़ी का टायर क्या बदला, मेरी सोच ही बदल गई। उस रात मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। उसके बाद उन लड़कों से तुमने मुझे बचाया, वो वक्त मुझे बहुत अपना अपना सा लगा। और उसके बाद अपना ही वक्त तुम्हारे बगैर अपना ही नहीं लगता। तुम्हारी सोच, तुम्हारा अंदाज मेरे दिल में जगह कर गया है। अब इसे मोहब्बत कहूं या मैं कई दिनों से सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता, तुम मेरी ब्यूटी क्वीन हो। मैं तुम्हें अपने दिल की मलका बना के रखूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, कोई मुझे कुछ भी कहे, आई डोंट केयर। लेकिन तुम्हारी मामा ने जो कहा है वो खंजर की तरह मेरे दिल पर लगा है। इसलिए मुझे ये शादी नहीं करनी। कामिल, कामिल, अरे तुम रात भर इस घर के बाहर खड़े रहे हो? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि हम कितना डर गए थे कि तुम कहां गुम हो गए हो? और ऊपर से तुमने फोन भी बंद कर रखा था। सॉरी, वो मैं कॉल नहीं कर सका। अच्छा, आए बैठे। नो, जिस घर के सामने तुमने रात बिताई है ना, उसी के घर चलते। मामा, डैडी सही कह रहे। तुम्हारे डैडी बिल्कुल ठीक करे, तुम जीत गए। चलो चलते हैं उसके पास, बस जूते नहीं मारे हमें। जिद छोड़ तो बेटा,
कामिल की माँ तुमसे माफी मांगने आई है। मुझे किसी को माफ नहीं करना और ना ही मुझे शादी करनी है। अच्छी फैमिली है बेटा। मैं आपके सर पर बोझ हूं ना, इसीलिए वो फैमिली आपको अच्छी लग रही है। तुम्हें सिर्फ लड़के से गर्ज होना चाहिए ना। वो लड़की की माँ है और आप चाहती हैं कि मैं सारी उम्र मोटी होने के ताने सुनती रहूं। कौन देगा तुम्हें ताने? हम हैं तुम्हारे साथ, कामिल है तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है कल कामिल पूरी रात हमारे घर के सामने अपनी गाड़ी में बैठा रहा है, अपने घर नहीं गया वो। बेटा चलो, अल्लाह ने बहुत अच्छा नसीब मिलाया है, मेरी बात मानो। आगे हानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। कामिल ने जब मुझसे कहा ना कि वो तुमसे ही शादी करना चाहता है, तो मैं दोबारा तुम्हारे घर आई थी। मुझे तुम दोनों की शादी पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन न जाने गुस्से में मेरे मुंह से नामुनासिब अल्फाज निकल गए। मैं अपने रवैये की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। आंटी, मुंह से निकले हुए अल्फाज वापस तो नहीं लिए जा सकते, लेकिन हम एक दूसरे को माफ जरूर कर सकते हैं। वैसे भी सब मुझे मोटी कहते हैं, इसीलिए आई डोंट केयर। घर में अगर कुछ मीठा है तो ले आइए, खुशी के मौके पर मीठा कराना तो बनता है ना। ये आओ जल्दी, कुछ है? माफ कर दिया ना मुझे जी, प्लीज आप मुझे। बिल्कुल है, ये इसे छुपा के रखेंगे पहले से। मदर्स के फेवरेट हैं ये, हैं हमेशा की तरह, ये इसके फेवरेट रहे हैं। लड्डू लड्डू आ गए। अंकल लीजिए। बिस्मिल्लाह।